मॉडल ने कचरे के ढेर पर मजबूर होकर किया कैट वॉक, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप, लोगों ने किया सलाम। अभी तक आपने एक्ट्रेस और मॉडल्स को 5-स्टार होटल और फैशन फंक्शन में रैंप वॉक करते हुए सुना और देखा होगा, लेकिन एक मॉडल ने गंदे सड़े गले कचरे के ढेर पर कैट वॉक किया। आज जहां आम इंसान को मुंह और नाक बंद करके जाने में भी मुश्किल होगी, जी हां, जब कूड़े के पहाड़ पर मॉडल को चलते हुए देखा गया तो लोग हैरत में पड़ गए। लेकिन लोगों को इसके पीछे की वजह पता चली तो वो सैल्यूट करने लगे। इस मॉडल के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इस काम को रांची के 27 साल के फोटोग्राफर प्रांजल कुमार और मिस झारखंड रह चुकी फैशन मॉडल सुरभि ने अंजाम दिया। प्रांजल और सुरभि ने इसके लिए रिंग रोड स्थित झीरी कचरा डंपिंग यार्ड को चुना। सुरभि ने कचरे के पहाड़ पर रैंप वॉक किया और प्रांजल ने ड्रोन कैमरे से करीबन 210 फीट की ऊंचाई से उसे फिल्माया और साथ ही साथ कैमरे से तस्वीरें भी ली। करीब 4 घंटे तक फोटोशूट चला। इस दौरान सुरभि रेड ड्रेस पहने कचरे के ऊपर कैट वॉक करती रही। सुरभि ने बताया कि यहां लाखों टन कचरे के ढेर लगा हुआ है। इस इलाके के आसपास के गांव के लोगों की जिंदगी कचरे की वजह से बर्बाद हो रही है। लोगों को रुमाल और कपड़ा मुंह पर नाक पर बांध कर रखना पड़ता है और उसके बाद भी बदबू आती रहती है। हजारों लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते उनके सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मॉडल ने कहा कि लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो चुपचाप हैं। किस तरह से हम आपके घरों से कचरा निकाल कर यहाँ जमा हो रहा है, ना तो सरकार को इसकी चिंता है और ना ही किसी सामाजिक संगठन को। मुझे ये बात बहुत परेशान करती है, इसीलिए मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। मेरा यहाँ कैटवॉक करने का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटाया जाए। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।